हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जेल में बंद कैदी भाइयों को राखी बांधने के लिए उमड़ी बहनों की भीड़। भाई बहन के प्यार का ये पर्व न केवल घरों में बल्कि जेल में भी मनाया गया। जेल में बंद भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने के लिए आज महिलाओं की भीड़ उमड़ी। सेंट्रल जेल के बाहर सुबह से ही बहनों का तांता लगा था जो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहती थी। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बारी बारी से समूह में कैदियों को बाहर लाकर उनकी बहनों से राखी बंधवाई गई। महिलाओं को पूरी सुरक्षा जांच के बाद अंदर प्रवेश दिया गया। वहीं दूसरी ओर बंदियों को कड़ी सुरक्षा घेरे में बाहर लाया गया। त्योहार और बहनों की भीड़ को देखते हुए जेल प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। कड़ी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान भी तैनात किए गए ताकि राखी के बहाने कोई गलत वस्तु जेल में नहीं पहुंच पाए। आसाराम समर्थक हुए निराश। यौन शोषण के दोषी आसाराम के समर्थकों को इस बार भी निराशा हाथ लगी। आज पूर्णिमा और रक्षाबंधन होने के कारण उनकी कई महिला समर्थक जेल आई थी। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से आसाराम को राखी बंधवाने के लिए कहा, लेकिन सुरक्षा के हष्टी से आसाराम को बाहर नहीं लाया गया। इसके बाद महिलाओं ने कृष्ण भगवान की मूर्ति को राखी बांध दी। देखो जागरूक, बनो जागरूक।